हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों अगर हम बात करें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, तो हो सकता है 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके फिर से कोई बड़ा ऐलान सामने आ जाए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आ रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि शायद 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके बड़ी अपडेट आ सकती है। तो क्या है वो बड़ा अपडेट, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, मैंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। सो जैसे मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद मैं डेट शीट पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए दोस्तों क्या होगा, जो डेट शीट 10th और 12th बोर्ड की रिलीज की गई थी, चाहे हम बात करें फर्स्ट टर्म की जो री एग्जामिनेशन के लिए, चाहे हम बात करें सेकेंड टर्म की, ठीक है दोस्तों, उससे अब डिलीट कर दिया गया है बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। सो देख सकते हैं लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो अब 7 मार्च का रह चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्कूल लॉगिन की, स्कूल लॉगिन पर देखिए अभी भी जो है वो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है डेट शीट को लेके 10th और 12th का। तो अब हम इसका क्या मतलब समझे, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट से डेट शीट को डिलीट किया जाना, क्या 10th और 12th बोर्ड की जो डेट शीट है उससे फिर से रिवाइज किया जा सकता है। बाकी दोस्तों जो भी बड़ी अपडेट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट के जरिए जरूर बताइए।